पंजा कौन सा पाई के अबाउट इमिग्रेंट्स एंड इसके मुझे अच्छा लगा बिकॉज किस जंग से इलीगल इमिग्रेंट्स इलीगल कहा जाता है इसलिए बिकॉज हर आदमी की अपनी ड्रीम होती है, बाहर जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये कहानी उसके बारे में है और हाउ आई फिट इन टू द फिल्म एंड हाउ आई फिट इन टू द कैरेक्टर, क्या कहानी में क्या होता है, आई थिंक दैट्स बेस्ट इफ यू स्पीक टू द डायरेक्टर. बट द इंटरेस्टिंग बिट अबाउट द होल फिल्म इज बिकॉज इट्स अबाउट द इमिग्रेंट्स. मैं अपने बारे में क्या बोलूँगा, बस यही बोल रहा हूँ कि मैं प्लेइंग द लीड रोल इन द फिल्म. उसके अलावा बाकी व्हेन यू विल सी द फिल्म यू विल नो मोर अबाउट इट. लाइक आई सेड, बेस्ट इज टू स्पीक अबाउट टू द डायरेक्टर, ही विल बी एबल टू गिव यू अ बेटर पिक्चर ऑफ व्हाट ही वांट्स टू स्पीक अबाउट द फिल्म. देखिए, हर क्या ये मुझे हमेशा अजीब सा लगता है कि क्या बोले आदमी अपने कैरेक्टर के बारे में, बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर घड़ी घड़ी वही चीज़ बोलते बोलते आदमी थोड़ा सा बेवकूफ़ सा लगने लग जाता है. सो ये चीज़ें आई लीव फॉर द डायरेक्टर टू डू. ये पिक्चर का एक हिस्सा है, गाना है जिसके अंदर एवरीबडी सेलिब्रेटिंग एंड हैविंग फन एंड आई एम पार्ट ऑफ इट. Earlier on, I didn't do films because of my health problem. Now I'm waiting to get working around on all my scripts. ताकि scripts अच्छी हों, फिर कोई excuse नहीं होता. काफिला में जो आपका outdoor shoot था, उसके बाद भी कुछ बताएं, कुछ problems face हुई कि बहुत problems वगैरह problems ऐसी कोई problems तो नहीं आई. हाँ, the locations have been tough. Like we were in Ladakh, then we were in Bulgaria and Manali. The weather conditions were a little difficult at different places, but that's normal. That happens wherever we go, especially for a film which is an outdoor film. You become pro at these kind of roles. One kind of role which you want to change your image into. See, I've not become a pro or anything. And kind of roles and all, it all depends on the subject. I said again, if a subject is interesting and there's a character in it which you're playing, which turns out to be different to what you're playing otherwise, then you get into that track. That kind of image you get then. So it all depends on the story and the character you're going to be portraying. They go around the when they come close to Bunty, they should face camera also. Pass.
थोड़ा राइट वापस, थोड़ा राइट बस, चल 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 बस। संतोष जी का पंजा कट करना, लेंस से कट करना उसके लेंस से। हेलो देखिए, सबसे पहले ये बोलूँगी कि इंडिया का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा। मुझे वेरी सेकंड डे से ये पता नहीं चला कि मैं इंडिया में काम करूँ या पाकिस्तान में। लोगों का जो मेरी तरफ बिहेव था और मेरे साथ जो भी काम करने का जो तरीका था, मुझे ऐसे ही लगा कि मैं, मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं यहाँ पर कोई नई एक्ट्रेस काम करी, मुझे ऐसे ही लगा जैसे मैं पाकिस्तान में काम करती हूँ। मुझे उन्होंने एज ए सुपरस्टार ही डील किया, तो विच इज़ वेरी नाइस। और डेफिनेटली मैं उनको क्रेडिट दूंगी, हमारे जो यूनिट के लोग हैं और हमारे जो डायरेक्टर हैं अमितोज मान, उन्होंने मुझे बहुत ही ऑनर भी दी और मुझे कम्फर्ट लेवल दिया और मेरा उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ट हुआ। और इतने बड़े एक्टर के साथ काम करके, सनी देओल के साथ, बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने, उनसे भी मुझे बहुत सीखने का मौका मिला, बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ काम करके। देखिए, फिल्म काफिला एक रियल स्टोरी पे बेस करती है और मेरा जो इसमें किरदार है वो एक अफ़गानिस्तान की लड़की है, जो कि मेरे लिए एक डिफरेंट भी था और फर्स्ट अपनी फिल्म यहाँ डेब्यू करने के लिए भी एक मेरे लिए, मुझे लगता था कि ये स्क्रिप्ट बहुत परफेक्ट है। वो इसलिए कि मेरी अपेरेंस इसमें, मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, टुवर्ड इंडियन ऑडियंस भी और पाकिस्तानी ऑडियंस भी। और इसमें मेरा जो कैरेक्टर है उसमें काफ़ी फ्लेवर हैं, इसमें काफ़ी लैंग्वेजेस हैं जिसपे, जैसे इसमें पर्शियन है, इसमें पश्तो है, इसमें उर्दू है, इसमें हिंदी है। तो मेरा कैरेक्टर इट्स ऑल अबाउट, तो एक मिशन है एक लड़की का, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और एक फोकस है उसका और बड़ी अपना एम्बिशियस लड़की है जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और एक्शन बेस्ड है और सनी देओल की फिल्म में लड़की को एक्शन का मार्जिन मिलना बड़ा मुश्किल होता है, बस इसमें थोड़ा सा मार्जिन मुझे भी दिया गया है और सनी जी के साथ, उनके साथ एक सीक्वेंस भी है उन लोगों का। तो इसमें काफ़ी मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। देखिए, सनी देओल के साथ काम करना इटसेल्फ एक प्राउड की बात है, नो डाउट। बहुत ही बड़े एक्टर हैं, मोस्ट टॉप मोस्ट एक्टर हैं और उससे बढ़कर ये है कि बहुत ही प्रोफेशनल मैंने उनको पाया। मैंने उनको जितना काम किया मैंने देखा कि बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत पंक्चुअल हैं और एज ए पर्सन बहुत अच्छे हैं, एज ह्यूमन बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक उनके इमेज की बात है तो ये आपकी बात आपने अच्छी बोली है, क्योंकि ये पाकिस्तानी मीडिया भी इसी तरह की ही क्वेश्चन करता है कि सनी जी का ये इमेज है कि वो एंटी पाकिस्तानी फिल्में करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक्टर का कोई इमेज नहीं होता, उसका कैरेक्टर होता है। तो उसके कैरेक्टर के बाद उसको जहन से निकाल देना चाहिए कि वो क्या है, क्योंकि उसका पर्सनल इन्वॉल्व नहीं है, एज ए पर्सन वो ऐसा नहीं है, सिर्फ उसका फिल्म की रिक्वायरमेंट थी। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई इसमें ऑड बात है कि वो एंटी पाकिस्तानी फिल्में करते थे, तो उनके फिल्म का कैरेक्टर था, वो फिल्म की डिमांड थी। मैंने पाकिस्तान में रहकर एंटी पाकिस्तानी कैरेक्टर किए हैं, हिंदू लड़की बनी हूँ मैं, सिख लड़की बनी हूँ, तो इसमें कोई ऐसी इंडियन लड़की बनी हूँ मैं, यू नो, इसमें काफ़ी कैरेक्टर जो हम लोग कर सकते हैं प्ले। वो अब मैं अंग्रेज़ लड़की करने से तो रही, शक्ल से नहीं लगती तो कर नहीं सकती, तो इंडियन ये वो कैरेक्टर जो होते हैं, ये हम एक्टर्स हैं, हम लोगों की कोई क्या बोलेंगे, बाउंड्रीज नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई लाइन नहीं होती कि हम ये कर रहे हैं या नहीं, कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं। तो कैरेक्टर को मेरे हिसाब से कैरेक्टर ही समझा जाए। आजकल आज की लोकेशन जो है वो फिल्म का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि हम वैसे ओवरऑल कर चुके हैं, इसका इंडो शूट हो रहा है,
तो ये इसका लास्ट सेट है और ये इसमें एक्शन भी है, इसमें काफ़ी डांस वेंस भी है, मेरा डांस नहीं है इसमें, काफ़ी कैरेक्टर्स हैं उनका है, तो एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये फिल्म का। अरे कट थोड़ा पीछे ही ओके।